मान्यवर, सबसे पहले तो मैं ये दुखद आपदा में जिन जिन लोगों ने अपने स्वजन गवाए हैं, जो जो लोग अभी लापता है, जबरदस्त ट्रॉमा में जी रहे हैं और जो इंजर्ड हुए हैं, वो सभी के प्रति मैं हृदय से मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपदा के इस समय में चाहे भारत सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, समय है केरल की सरकार और केरल की जनता और विशेषकर वायनाड के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहने का, और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है और मैं इस सदन के माध्यम से केरल की जनता और वायनाड की जनता से कहना चाहता हूं कि हर संभव मदद और हर संभव प्रयास भारत सरकार की ओर से बचाने के लिए, रिलीफ के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए किया जाएगा। माननीय, जब वेणुगोपाल जी ने बात शुरू की, तब मेरा राज्यसभा में कोटेशन था, वो यहाँ रखा उन्होंने। उन्होंने कोट कहा कि मैंने राज्यसभा में ऐसा कहा। फिर उन्होंने कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम इस देश में होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस देश में दुनिया के सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां स्थापित किए गए हैं 2014 के बाद। माननीय, दुनिया में बहुत कम देश है जो 7 दिन पहले आपदा का आकलन सार्वजनिक करते हैं, पूर्वानुमान सार्वजनिक करते हैं। भारत वो चंद 4-5 देशों में है जो 7 दिन के पहले पूर्वानुमान साझा करता है। कई सारे देश, ज्यादातर देश, मोर देन 90% देश 3 दिन के पूर्व में ये आकलन को साझा नहीं कर सकते हैं। हम 7 दिन पूर्व 2023 से सारे आकलन देश की जनता और देश की राज्य सरकार के लिए साझा करते हैं। साइक्लोन का भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, कोल्ड वेव का भी है, हीट वेव का भी है, बिजली का भी है, सुनामी का भी है, अर्थक्वेक का भी जितनी पॉसिबिलिटी है उतना है, फ्लड्स का है, भूस्खलन का है, कई प्रकार के अर्ली वार्निंग सिस्टम 323 करोड़ और 2000 करोड़ कुल मिलाकर 2300 करोड़ के खर्च से देश की जनता की सुरक्षा के लिए एस्टैब्लिश किए गए। फिर बशीर साहब ने कहा तो क्या हुआ। माननीय, जब तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है और लोगों को बचाने का सवाल है, मैं कह सकता हूं 2014 के पहले इस देश में आपदा का रिस्पॉन्स करने का एक ही तरीका था, एक ही डायमेंशन था, वो बचाव, मतलब रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। आपदा आने के बाद सबको मदद करो और पुनर्वसन करो। नरेंद्र मोदी आने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इसमें बचाव का एंगल हुआ कि एडवांस में ही तैयारी ऐसे करो कि जिससे किसी की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी अप्रोच। मानवर, पर्टिकुलर एक ए किस्से में हमने हर बृहस्पतिवार को हम अगले पखवाड़े का जो पॉसिबल, वो इतना सटीक नहीं होता है मगर पूर्वानुमान देते हैं। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा, और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज़्यादा वर्षा होगी ये भी कहा, और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही एडवांस में क्या किया पूछा गया सदस्यों द्वारा, 23 तारीख को ही हमने 8
एनडीआरएफ के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए मान्यवर, क्योंकि हमें मालूम था कि 30 तारीख के आसपास भूस्खलन होगा या बाढ़ आएगी या बारिश ज्यादा होगी तो जरूरत पड़ सकती है। सर, इट इज ए ह्यूज ट्रेजेडी इन वायनाड एंड द मिलिट्री इज डूइंग अ गुड जॉब देयर। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सपोर्ट द पीपल ऑफ वायनाड, दैट वी गिव देम एज मच सपोर्ट एज इज पॉसिबल, एंड आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू हेल्प द पीपल ऑफ वायनाड इन दिस डिफिकल्ट टाइम। आई थिंक this is the second time this tragedy has taken place. This took place 5 years ago, and it is quite clear that this area has an ecological issue, so this should be looked into, and whatever high tech solution can be brought forward, that would be good. Thank you, sir.